नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, अन एकेडमी का प्लेटफॉर्म, जिसमें एक से बढ़कर एक विद्वान और स्कॉलर आप लोगों के लिए क्लास जो है वह ले रहे हैं, आप लोगों के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। उसी में से, इसी अन एकेडमी फैमिली में से मैं एक छोटा सा बिंदु कह सकते हैं, मैं भी हूं प्रहलाद गुप्ता, आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत ही किए हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। और इस मध्यकालीन बिहार के इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले सल्तनत काल में बिहार की भूमिका, उसी को मैं आगे बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, सल्तनत काल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे गुलाम वंश से लेकर के लोदी वंश तक बिहार के क्षेत्र में क्या राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां रही, और उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। और मैंने चर्चा किया था कि थोड़ा सा हम लोग नुहानी वंश के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा चेरो वंश के बारे में जानेंगे, और उसके बाद विस्तार पूर्वक शेरशाह सूर या सूर वंश के बारे में हम लोग अध्ययन जो है वह करेंगे। तो वही मैं यह वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। नुहानी वंश इसलिए कि यह बिहार से ताल्लुक रखते हैं और यह लोग मुगल काल में भी प्रवेश कर जाते हैं, शेरशाह के समय में भी इन लोगों की चर्चा मिलेगी। इस दृष्टिकोण से यह वंश महत्वपूर्ण हो जाता, भले ही तथ्य हम लोगों का कम है इस वंश के बारे में, लेकिन परीक्षा में प्रश्न अगर पूछ दे, जो क्षेत्रीय प्रश्न होता है, तो वहां पर हम लोगों का छूटे नहीं। इस उद्देश्य को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं और शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है, चूंकि ये छोटे छोटे राजवंश हैं तो इसमें तथ्य जो है वह बिखरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखना जो है वह जरूरी हो जाता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शेरशाह के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नुहानी वंश की चर्चा हम लोग लोदी वंश के जब बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर भी किया था, और उसी में सिकंदर लोदी का नाम आता है। सिकंदर लोदी के समय में इस वंश की स्थापना होती है, या इस वंश के लोगों ने बिहार में वर्चस्व जो है वह स्थापित किया था। जैसे मैंने यहां लिखा है दरिया खान नुहानी, आप यहां देख रहे हैं दरिया खान नुहानी, सिकंदर लोदी के समय में वंश स्थापित, वंश जो है वह सिकंदर लोदी के समय में स्थापित होता है, क्योंकि उन्होंने ही सूबेदार नियुक्त किया था और आगे चल करके उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर दिया, स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर दिया। तो सिकंदर लोदी के समय में यह वंश जो है वह बिहार में स्थापित होता है। बिहार शरीफ अभिलेख, अब एक अभिलेख है बिहार शरीफ के अनुसार सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर बनाया। परीक्षा में अगर पूछ ले, जैसे इल्तुतमिश को मिलाकर के पूछा गया था कि किसको सूबेदार नियुक्त किया था सबसे पहली बार, बीपीएससी ने पूछा है, तो यहां पूछा जा सकता है कि किसने दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर बनाया था, तो सिकंदर लोदी ने बनाया था, और इसी ने नुहानी वंश की स्थापना भी कर दिया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, सिकंदर लोदी ने ही इसके समय में मुंगेर, अब धीरे धीरे आगे निकल रहा है मध्य आधुनिक भारत में इसका और नाम होगा, सिकंदर लोदी ने ही इसके समय में मुंगेर को बंगाल और बिहार की सीमा निर्धारण कर दी। इस समय क्या था कि बंगाल और बिहार हमेशा मिला जुला हुआ रहता था, लेकिन सिकंदर लोदी जब अभियान करते हैं, बिहार में प्रवेश करते हैं और बंगाल के विरुद्ध भी अभियान करते हैं, तो सीमा निर्धारण कर देते हैं कि अब
बंगाल के जो शासक हैं वह मुंगेर के उस पार रहेंगे, बिहार के शासक जो है वह मुंगेर का अतिक्रमण करके बंगाल में नहीं जाएंगे, और बंगाल के नवाब जो है वह मुंगेर का अतिक्रमण करके बिहार में नहीं आएंगे। तो मुंगेर एक तरह से सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया गया, और यह कार्य भी सिकंदर लोदी के द्वारा कर दिया जाता है। अब दरिया खान नुहानी मित्रवत संबंध कायम करके सफलता पूर्वक शासन किया। यह चतुर शासक थे और जानते थे कि अभी हाल ही फिलहाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया गया है, और बहुत सारी शक्तियां थी उस समय लगी हुई थी कि स्वतंत्र सत्ता को समाप्त कर दिया जाए, या मैं क्यों नहीं स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर सकता हूं। इसलिए क्या करता है, आस पड़ोस के जो राज्य थे उससे मित्रवत संबंध कायम कर लेता है, और मित्रवत संबंध कायम करके दरिया खान नुहानी ने सफलता पूर्वक शासन किया। तो यही इसकी उपलब्धि है कि प्रारंभिक रूप में अपने राज्य को, प्रारंभिक राज्य को, स्वतंत्र राज्य को बचा ले जाता है। इससे बड़ा अब क्या चाहिए था, क्योंकि दिल्ली पर अभी लोदी वंश का शासन था, और उसमें आप सफलतापूर्वक शासन कर लेते हैं तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। एक और पॉइंट मैंने यहां लिखा है, पटना में यह है दरियापुर और लोहानीपुर, नुहानी लोकप्रियता को स्थापित करता है। अभी वर्तमान समय में आप पटना जाएंगे या रहते होंगे तो दरियापुर भी है और लोहानीपुर भी है, यह इन्हीं लोगों की देन है, इन्हीं लोगों के नाम पर इस क्षेत्र का नाम, इस मोहल्ले का नाम जो है यह रख दिया गया। स्पष्ट करता है कि बिहार के इतिहास में नुहानी वंश के शासक जो थे या नुहानी वंश जो था वह निश्चित रूप से लोकप्रिय था, तभी तो नामकरण जो है वह कर दिया गया। उसके बाद दरिया खान नुहानी की जब मृत्यु होती है तब इसका पुत्र आ जाता है, मुहम्मद शाह की उपाधि धारण करके आता है, इसलिए इतिहास में इसको मुहम्मद शाह नुहानी कहा गया है। अब इससे संक्षिप्त बात है, मैंने यहां लिखा है मुहम्मद शाह नुहानी। मुहम्मद शाह नुहानी जो है पिता के मृत्यु के बाद स्वतंत्र सत्ता जो है वह स्थापित कर लेते हैं, और स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है, लेकिन अब शासन यहां बदल रहा है। जैसे यह सिकंदर लोदी के समय में थे और सिकंदर लोदी के पुत्र थे इब्राहिम लोदी, उसी तरह से दरिया खान नुहानी के पुत्र थे मुहम्मद शाह नुहानी। तो कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में भी बदलता है और इब्राहिम लोदी का काल आ जाता है 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे और इन्होंने अभियान कर दिया, इब्राहिम लोदी ने इसकी शक्ति को समाप्त करने के लिए मुस्तफा को भेजा था। मुस्तफा ने अभियान किया बिहार पर मुहम्मद शाह नुहानी पर, लेकिन यह मुस्तफा जो है वह पूर्ण रूप से सफल नहीं रहते और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर मैंने यहां लिखा है इसने महमूद लोदी का साथ घाघरा का युद्ध। अब हम लोग यहां मुगल काल में प्रवेश कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि ये लोग मुगल काल से भी जाकर के जुड़ जाते हैं। जब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ तो बाबर विजयी हो गए और इन्होंने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दिया, लोदी वंश को समाप्त कर दिया, मुगल वंश को स्थापित कर दिया, लेकिन अभी भी अफगानी सत्ता को, अफगानी शक्ति को एकत्रित करने का प्रयास महमूद लोदी कर रहे थे, वह जीवित बच गए थे। और महमूद लोदी आगे बढ़ते हैं कि किसी तरह से बाबर को पराजित कर दिया जाए, परिणाम स्वरूप युद्ध होता है और यह है घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी के किनारे हुआ था 1529 में, इसीलिए इसको
घाघरा का युद्ध साथियों कहते हैं। एकमात्र युद्ध है जो जल और स्थल दोनों जगह लड़ा गया था। यह परीक्षा में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखिएगा कौन सा ऐसा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों जगह पर लड़ा गया था, तो वह है घाघरा का युद्ध। लेकिन इस युद्ध में महमूद लोदी पराजित हो गए और बाबर यहां पर भी विजयी हो जाता है। बाबर ने चार युद्ध लड़ा था, चारों युद्ध में विजयी हो गए। जब भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। अब हुआ क्या कि जब घाघरा का युद्ध हुआ, यह मुहम्मद शाह नुहानी जो है यह महमूद लोदी का साथ देता है, क्योंकि यह भी अफगानी ही लोग थे। जैसे तुर्की की 64 उपजातियां थी, उसी तरह से अफगानियों में अफगानी, नुहानी, लोहानी, फार्मूली, यह सभी उपजातियां थी। तो यहां पर साथ देता है, लेकिन बाबर विजयी हुआ, मैंने लिख दिया है यहां पर स्पष्ट रूप से। इसके बाद देखिए, बाबर ने इसके पुत्र मुहम्मद शाह नुहानी के पुत्र, यहां इसके पुत्र का मतलब होगा मुहम्मद शाह नुहानी के पुत्र जलाल खां, यह है जलाल खां, जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि बाबर ने किसको अपने समय में बिहार का प्रशासक नियुक्त कर दिया, जलाल खां था, इसी को प्रशासक नियुक्त किया गया। और एक सबसे चर्चित नाम है शेर खां या शेर शाह को इसका संरक्षक बना दिया गया। और इसके बाद नुहानी वंश का काल या शासन वह मुगलों के संदर्भ में चला जाता है, वह सूर वंश के संदर्भ में चला जाता है, क्योंकि मुगलों की शक्ति तो बढ़ ही रही थी, अब एक नया चरित्र यहां निकल करके आया था जिसने मुगलों को चुनौती दिया था, और वह चरित्र का नाम है शेर खां या फरीद खां या शेर शाह। तो यह संक्षिप्त बात मैंने यहां पर शामिल किया। जब शेर शाह हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब मुगल वंश पढ़ेंगे शुरुआती दौर में, तो वहां पर भी संक्षिप्त रूप में नुहानियों की चर्चा जो है वह किया जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं साथियों, संक्षिप्त बात है लेकिन महत्वपूर्ण है। शेर खां को संरक्षक बना देना यह मामूली बात नहीं था। तो संक्षिप्त बात का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसके बाद इसी तरह से संक्षिप्त है चेरो वंश, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे चेरो वंश के बारे में। और तब जो है महत्वपूर्ण शासक जिसको अकबर का अग्रगामी कहा गया है शेर शाह के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि वह बिहार के सपूत के रूप में स्थापित हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसके बाद जो है चेरो वंश हम लोग देखेंगे। साथियों यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे नुहानी वंश का था वैसे ही चेरो वंश का, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसको शामिल कर रहा हूँ। क्योंकि छोटा राजवंश जो है बिहार से संबंधित, चाहे वह प्राचीन काल हो, मध्य काल हो या आधुनिक काल, यहीं से क्वेश्चन जो है कठिन लगने लगता है और हम लोग इसी सब क्वेश्चन में फंस जाते हैं, जो चार पांच जो है निश्चित रूप से प्रत्येक बीपीएससी की परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो मैंने इसीलिए इस वंश को शामिल किया है। नुहानी वंश के बाद मैंने लिखा है चेरो राजवंश। और जो प्रमुख बात है बिल्कुल संक्षिप्त है, चूंकि यह वंश जो है मध्य काल में तो दिखलाई देता ही है, दिल्ली सल्तनत के बाद जो है यह मुगल काल में भी अपनी भूमिका निभाते हैं और यहां से यह लोग आधुनिक भारत में भी आ जाते हैं। और आधुनिक भारत या आधुनिक बिहार के क्षेत्र में भी इन लोगों ने जो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाया था उसमें भी सहयोग प्रदान करते हैं अपने स्तर से विद्रोह या आंदोलन करके। लेकिन हम लोग
यहाँ मध्यकालीन से संबंधित संक्षिप्त बात जो है वह जानेंगे। तो चेरो राजवंश, यहाँ पर कुछ लाइन मैंने लिखा है, जैसे आप देखिए क्षेत्र, तो क्षेत्र जो है वह शाहाबाद, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, मुख्यतः पलामू, तो यह इन लोगों का मुख्य क्षेत्र था। आप कह सकते हैं कि यहां से निकल करके विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार कर दिया। उसके बाद 12वीं शताब्दी में बनारस तक, पटना तक, बिहार शरीफ तक तथा कैमूर तक के क्षेत्र पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक विशाल क्षेत्र पर चेरो वंश के शासकों ने नियंत्रण स्थापित किया था, इसीलिए बिहार के इतिहास में इन लोगों को जगह दिया गया है। अब तो मुख्य रूप से यह झारखंड क्षेत्र में रहते हैं और वहीं पर पलामू आप कह सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है शाहाबाद में प्रमुख राजवंश, यह उस समय शाहाबाद के क्षेत्र में चेरो वंश के शासकों ने अपने अलग अलग कुछ प्रमुख वंश की स्थापना कर दिया था। वही मैंने यहां लिखा है, नाम है धुधुलिया, धुधुलिया चेरो, तो ये राजवंश यह था और इसका मुख्यालय जो है वह बिहिया है। बिहिया वर्तमान में स्टेशन भी है और इसी बिहिया के जंगल में आधुनिक काल में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से टक्कर लिया था। तो यह अभी चेरो से संबंधित हम लोग यहां देख रहे हैं। भोजपुर, यहां भोजपुर की बात कर रहे हैं और भोजपुर में चेरो ने जो राजवंश की स्थापना किया था उसका मुख्यालय जो है वह तिरावन है, यह जगह है तिरावन, और यहां के शासक जो थे वह सीताराम थे, महत्वपूर्ण शासक है और इन्होंने इस तिरावन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य जो है वह संपन्न कर दिया था। इसके बाद लिखे देव मार्केंड, और यहाँ के राजा जो है वह फूलचंद, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक माना गया है राजा फूलचंद को, और इनसे एक पॉइंट है, फूलचंद ने जगदीशपुर मेला की शुरुआत किया था। जगदीशपुर मेला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, किस चेरो शासक के द्वारा, तो यह यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है, यह फूलचंद के द्वारा जो है वह किया गया था, पूछा जा सकता है परीक्षा में। कुकुमचंद झरप, नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कुकुमचंद झरप काफी शक्तिशाली माने गए हैं, यह चेरो राज्य में काफी शक्तिशाली थे और इनके समय में भी क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार जो है वह दिखलाई पड़ता है। तो यही संक्षिप्त बात है इधर से मैंने जो लिया है, थोड़ा सा यहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसी बात को उठा करके यहाँ रखा गया है। बिहार में चेरो को चारवा या चारवा है या चेरू कहा गया है बिहार में, वो तो भाषा विज्ञान की बात है, कई नामों से संबोधित किया जाता है, तो उसी में चेरो को चारवा कह दिया गया, चेरू भी कह दिया गया। यह समुदाय मुख्य रूप से वर्तमान में झारखंड में रहते हैं, क्योंकि झारखंड बिहार का भाग था तो आदिवासी बहुल क्षेत्र भी था बिहार, लेकिन झारखंड के बंटने से आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है वह झारखंड में चला गया। तो अब इन लोगों का वही मुख्य रूप से निवास स्थल है। कुछ लोग जो है वह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी निवास करते हैं। उसके बाद चेरो का सबसे महत्वपूर्ण शासक पूछेगा तो मेदिनीराय, एक और पॉइंट है हम लोगों को याद करने के लिए, चेरो का सबसे महत्वपूर्ण शासक तो यह मेदिनीराय है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए इसको क्या उपाधि दिया गया, इसको राजा विक्रमादित्य कहा गया। चेरो का विक्रमादित्य किसको कहते हैं, तो मेदिनीराय को विक्रमादित्य या राजा विक्रमादित्य भी कहा गया है, और यही
इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक माने गए। इनके मृत्यु के बाद चेर राजवंश जो था वह चेरो राजवंश जो था वह सिकुड़ने लगा था और सीमित पैमाने पर यह लोग मध्य काल में मुगल काल में प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर जब आधुनिक काल में जाते हैं तो यह सशस्त्र विद्रोह करके अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लेते हैं। तो यह याद रखिएगा मेदिनी राय के बारे में यह पॉइंट, ठीक मैंने यहां पर यह पॉइंट दिया है। शाहजहां के समय अहमद खान को पटना का सूबेदार बनाया गया। कहां का सूबेदार? अब यह मुगल काल से संबंधित हो जाता है। तो पटना का सूबेदार जो है नियुक्त कर देता है, सूबा के अधिकारी को सूबेदार कहा जाता था। और यहां पर लास्ट में मैंने लिखा है निष्कर्ष में कि मुगल काल होते हुए पलामू के चेरों ने आधुनिक काल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो यहीं पर ला करके संक्षिप्त बात था, यहीं पर ला करके मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। और आधुनिक काल जब हम लोग पढ़ेंगे और वो भी भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो चेर का विद्रोह जो है वहां सामने निकल करके आता है। वो सारे विद्रोह, खारवाल विद्रोह, चेर विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, हो विद्रोह, तो वह सब की चर्चा हम लोग भारत के इतिहास के संदर्भ में करेंगे। तो यही छोटा सा एक मुख्य रूप से कुछ पॉइंट जो है हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, और वह है नुहानी वंश के बारे में और वह है साथियों चेर वंश के बारे में। अब हम लोग महत्वपूर्ण शासक जिसके बारे में बहुत सारी बातें आप लोग भी जानते होंगे और वह होंगे शेरशाह। तो शेरशाह के बारे में ही अब हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और तब मैं इसके बाद शुरुआत करूंगा शेरशाह के बारे में। सब कुछ हम लोग देखेंगे, शेरशाह की प्रारंभिक जीवन, उसका सैन्य अभियान, उसकी स्थापत्य कला, उसकी प्रशासन, उसकी मुद्रा व्यवस्था, विविध तथ्य। तो बड़ा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है तो बहुत सारा वहां से पॉइंट भी निकल करके सामने आता है। शुरुआत अब हम लोग करेंगे। साथियों अब हम लोग शेरशाह के बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। आप लोग जानते हैं कि शेरशाह मध्यकालीन केवल बिहार के नहीं बल्कि भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण शासक माने गए हैं। इसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि शेरशाह को अकबर का अग्रगामी कहा गया, कि अकबर जो महान शासक है और शेरशाह के पद चिन्हों पर चल करके विशेषकर प्रशासनिक व्यवस्था को उन्होंने वैसा ही अपनाया जिस प्रकार से शेरशाह ने अपनाया था। तो इस रूप में शेरशाह की हम लोग चर्चा करेंगे जो बिहार से संबंधित है। इसी शेरशाह ने सूरवंश की स्थापना किया और इसी शेरशाह ने 15 वर्षों के लिए भारत से मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत अधिक शक्ति का परिचायक है कि मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकना और वह भी 15 सालों के लिए और वह भी हुमायूं जैसे शक्तिशाली शासन के समय में। तो शेरशाह ने अपना परिचय जो है वह दिया और छोटे से पद से उठ करके, छोटे से व्यक्ति के रूप में निकल करके पूरे भारत का शासक जो है वह बन जाता है। तो योग्यता अगर हो, लगन अगर आपकी हो, तो यह मायने नहीं रखता है कि आप छोटे परिवार से हैं या बहुत बड़े परिवार से हैं या आर्थिक स्थिति आड़े आ रही है। लगन से कार्य करते रहिएगा, निश्चित रूप से बड़ा बनिएगा। छोटे से शुरुआत करने पर ही आदमी बड़ा बनता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है और हम लोगों को शेरशाह से सीख लेना है। साथियों मैंने यहां लिखा है शेरशाह 1540 से
1545। और यह इसकी महत्वपूर्ण बात है, जैसे प्रारंभिक जीवन है और अभियान है, प्रशासन है, सार्वजनिक कार्य है, मुद्रा व्यवस्था, स्थापत्य कला है, तो इन्हीं सब चीजों का यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि शेरशाह ऐसा कौन सा कार्य किया, ऐसा किस प्रकार से कार्य किया जिसको अकबर ने अपनाया, और इसीलिए इनको अकबर का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कह करके संबोधित कर दिया गया। शेरशाह का एक कथन है, वह कथन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। शेरशाह का प्रसिद्ध कथन, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान के बाहर कर दूंगा। और इस कथन को शेरशाह ने सही साबित कर दिया। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि शेरशाह निर्माता नहीं था। मुख्य परीक्षा में पूछा गया है कि शेरशाह निर्माता नहीं था बल्कि सुधारक था, क्या आप सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत हैं। शेरशाह जो है वह निर्माता नहीं थे, वह पहले से चली आ रही व्यवस्था को जो दिल्ली सल्तनत में चली आ रही थी उसी में कुछ इधर उधर करके और उसी व्यवस्था को लागू कर दिया जो मुख्य परीक्षा में लिखा जाता है, इसलिए इसको निर्माता नहीं सुधारक कहा गया है। दूसरा पॉइंट, किसके व्यक्तित्व में लोमड़ी और शेर का सम्मिश्रण पाया जाता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में? तो शेरशाह के व्यक्तित्व में लोमड़ी जो चालाक होता है और शेर जो शक्तिशाली होता है, दोनों का जब सम्मिश्रण हो जाएगा तब वह व्यक्ति कहां पीछे हटेगा, कहां वह पीछे होगा? और दोनों का सम्मिश्रण जो है वह शेरशाह के व्यक्तित्व में दिखलाई पड़ता है। इसीलिए तो सूरवंश की स्थापना में यह व्यक्ति जो है वह पूर्ण रूप से सफल रहा था। अब यहाँ हम लोग कुछ परीक्षा से संबंधित बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था कि दिल्ली की गद्दी पर पहली बार अफगानी सत्ता को किसने स्थापित किया, तो बहलोल लोदी ने। उसी तरह से पूछा जाता है कि भारत में दूसरी बार अफगानी सत्ता को किसने स्थापित किया, तो शेरशाह यहाँ जवाब देना है। अफगानी थे और भारत में दूसरी बार अफगानों की सत्ता को स्थापित कर दिया इसने, हजरत ए आला, हजरत ए आला। बीपीएससी में यह पूछ दिया है, हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था, तो हजरत ए आला की उपाधि शेरशाह ने धारण किया था, याद रखना है आप लोगों को। और यह दोहराया भी जा सकता है। साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक जीवन, तो हम लोग शेरशाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में पहले चर्चा करेंगे। शेरशाह, इसका जन्म जो है 1472 में पंजाब के होशियारपुर होशियारपुर जिला के बजवाड़ा, इसी बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इसका बचपन का नाम जो था फरीद खां था, यह याद रखिएगा, फरीद खां।
यह परीक्षा में पूछा जाता है फरीद खां, इसके बचपन का नाम फरीद खां, पिता का नाम जो है वह हसन खां था। तो होता क्या था कि अगर आप थोड़े से योग्य व्यक्ति हैं तो आसानी से सेना में नौकरी जो है वह हो जाता था। तो इसको भी सेना में नौकरी जो है वह मिल जाता है, लेकिन पंजाब इसको रास नहीं आया फरीद खां को, और पिता से भी उतना स्नेह इसको नहीं था फरीद खां को, वह अपने अन्य पुत्रों से ज्यादा स्नेह करते थे। इसीलिए पंजाब को छोड़ करके यह बिहार आ जाता है। और साथियों, अब यह काल जो है वह मुगल काल में परिवर्तित हो गया था और मुगलों ने यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था। बाबर का हम लोगों ने चर्चा किया था कि बाबर ने इसको संरक्षक बनाया था, नूहानी वंश जब हम लोग पढ़े थे, तो मतलब अपनी योग्यता के बल पर यह आगे बढ़ते चला जा रहा था और बाबर जैसे व्यक्ति के नजर में भी शेरशाह आ गया या फरीद खां जो है वह आ जाता है। देखिए, यह जब बिहार आया, जब पटना आया, तो नाम है यहां बहार खान लोहानी, बहार खान नूहानी या लोहानी भी कहते हैं। इसी के यहां इसने नौकरी प्राप्त कर लिया और हम आप लोग कहानी के रूप में जानते हैं कि बहार खान लोहानी जो है शिकार खेलने का शौकीन था, और जब यह शिकार खेलने के लिए गया था तो इस पर एक शेर ने आक्रमण कर दिया। अपने मालिक की, अपने स्वामी की रक्षा फरीद खान ने किया और उस शेर का एक ही वार में वध कर दिया। खुश हो गए बहार खान लोहानी और इन्होंने इसको उपाधि दिया, और वह उपाधि क्या था, फरीद खां से अब इसको शेर खां कहा गया। शेर खां की उपाधि से इसको सम्मानित किया गया। तो अब यह फरीद जो है किस नाम से लोकप्रिय हुआ, शेर खां के नाम से लोकप्रिय हुआ। अब यह अपनी शक्ति को अधिक बढ़ाते चला जा रहा था, एकत्रित करते चला जा रहा था और मुगलों को अब यह पलट करके चुनौती देना चाहता था, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर था। तो आर्थिक रूप से कमजोर था इसीलिए इसने एक कूटनीतिक चाल चला। चाल क्या था कि ताज खां की विधवा, यहां लिख रहे हैं ताज खां, इनकी विधवा थी लॉर्ड मल्लिका, लॉर्ड मल्लिका। यह ताज खां जो है चुनार दुर्ग का अधिकारी था, चुनार दुर्ग का मालिक था और चुनार दुर्ग में अथाह धन संपत्ति था, धन दौलत था। इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी विधवा बची हुई थी, लॉर्ड मल्लिका जो है वह बची हुई थी। तो इसी लॉर्ड मल्लिका से इस शेर खां ने विवाह कर लिया। लॉर्ड मल्लिका जो विधवा थी, इससे शेर खां विवाह कर लेता है, और जब विवाह कर लेता है तो इसको लाभ क्या मिलता है, लाभ चुनार का दुर्ग, इसको चुनार का दुर्ग मिल जाता है, जो यह चाह रहा था कि चुनार के दुर्ग पर किसी तरह से नियंत्रण हो जाए और मैं वहां से धन दौलत लेकर के अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करूं और उसके बाद मुगलों से युद्ध करके दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर सकता हूं। इसमें पूर्ण रूप से यह सफल हो जाता है। चुनार का दुर्ग इसको मिल गया, लेकिन इतना आसान नहीं था। दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करना साथियों इतना आसान नहीं था फरीद खां को, क्योंकि हिमायूं जैसे व्यक्ति जो थे
वह दिल्ली की गद्दी पर आसीन थे और काफी शक्तिशाली था इस समय मुगल सेना। हिमायूं जो है वह अभियान करते हैं और यह अभियान जो होता है यह 1632 में होता है। 1632 में हुमायूं ने चुनार को घेर लिया, चारों तरफ से इसकी सेना जो थी हुमायूं की, इसने घेर लिया चुनार को। और इसी चुनार के दुर्ग में कैद हो गए थे शेरशाह। दुर्ग जो बनाया जाता था तो सारी व्यवस्थाएं उसमें रहती थी, रसद पानी सब कुछ, और फाटक जो है वही तोड़ करके विरोधी सेना अंदर प्रवेश करती थी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, लगभग 6 माह होने को आया था और अंदर रसद पानी जो है वह समाप्त होने लगा था। साथियों, जब रसद पानी समाप्त होने लगा था तो शेर खां को भी चिंता सताने लगा था कि अब क्या होगा। मतलब अब हुमायूं जो है, यह हुमायूं वह विजय के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। अब यहां पर बात होते जा रहा था शेर खां, तो हुमायूं गलती क्या करता है कि यह शेर खां के पास समझौता करने के लिए दूत भेज देता है कि मैं संधि करना चाहता हूं। सभी इतिहासकार हुमायूं के इस संधि की आलोचना करते हैं कि यह हुमायूं की राजनीतिक भूल था और इसी भूल के कारण 15 वर्षों तक मुगल वंश का भारत में अंत हो गया था। आप सीधे तौर पर सोचिए कि हुमायूं इसी अवसर पर अगर शेर खां को समाप्त कर देते तो सूर वंश ही स्थापित नहीं होता और हुमायूं को पराजित होकर के भारत से बाहर नहीं जाना पड़ता, 15 सालों तक उनको निर्वासित जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। इसीलिए राजनीतिक भूल कहा गया। अब हुमायूं ने जब प्रस्ताव भेजा शेर खां के पास तो यह तैयार हो गए। यह तो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से संधि हो जाए, तो संधि शर्त में यह बात निकल करके आया, हुमायूं ने शर्त रख दिया कि तुम अपने एक पुत्र को मेरे यहां बंदी रखो और जब यह धन संपत्ति हमको मिलेगा तब इस पुत्र को मुक्त किया जाएगा। शेर खां तुरंत मान गए और कुतुब खां, इनका एक पुत्र था शेर खां का, उसी पुत्र को हुमायूं के हवाले कर दिया गया और हुमायूं यहां से सेना लेकर के वापस चले जाते हैं। अब मौका मिल गया फरीद खां को अपनी शक्ति को बढ़ाने का। उसको यह भी अंदाजा हो गया कि हुमायूं किसी भी प्रकार से मेरी शक्ति को समाप्त करना चाहता है, तो इसलिए क्या करता है, यह जो चुनार के दुर्ग में अथा दौलत था इसको रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण भी शेरशाह ने कराया था, रोहतासगढ़ के दुर्ग में स्थानांतरित कर देता है जहां पर इसकी पकड़ जो थी वह बहुत अधिक मजबूत था। और इसी दम दौलत के बदौलत शेरशाह ने विशाल सेना का गठन कर लिया। और जब विशाल सेना का गठन हुआ तो मुगल क्षेत्र का अतिक्रमण जो है वह किया जाने लगा। जब मुगल क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया तो युद्ध निकल करके आया और यह युद्ध जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसको भी हम लोग शेरशाह के प्रारंभिक जीवन में ही शामिल करते हैं साथियों। तो यहां आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं युद्ध यहां पर लिख रहा हूं। युद्ध है चौसा का युद्ध। पंद्रह सौ उनचालीस
यह युद्ध हुआ, इसमें इसवी सन याद रखा जाता है, चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 में हुआ। पहला पॉइंट, चौसा का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ, तो शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ। साथियों इस युद्ध में यह शेर शाह जो है विजयी हो गया, इस युद्ध में हुमायूं जो है वह पराजित हुए। यहां हुमायूं पराजित हो गए और जब इस युद्ध में शेर खां विजयी होता है तो एक उपाधि धारण करता है। परीक्षा में पूछा गया है किस युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया। तो चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद यह उपाधि जो है वह धारण कर लिया जाता है और यहीं से अब शेर खां शेर शाह के नाम से विख्यात हो गया। फरीद खां नाम था, बाद में शेर खां नाम हुआ और 1539 में जाकर के यह शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध को जब जीतता है तो अपने नाम का सिक्का जारी करता है। शेर शाह ने अपने नाम का सिक्का जारी किया और इस सिक्का पर अपना नाम देवनागरी लिपि और अरबी लिपि में अंकित कराया। देवनागरी लिपि में अंकित कराता है, इस्लाम धर्म का अनुयायी था। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है इस युद्ध में विजयी होने के बाद शेर शाह ने सिक्का जारी किया अपने नाम का और उस पर देवनागरी और अरबी लिपि जो है वह अंकित कराया। तो यह चौसा के युद्ध से महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना होगा सब पॉइंट। एक पॉइंट अब और निकल करके आता है, इसी युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को नाजिम नामक भिस्ती ने, भिस्ती का मतलब हुआ नाविक, नाजिम नामक भिस्ती ने हुमायूं को बचा लिया। यह डूबने से बचे थे, यह नदी में भागने का प्रयास करते हैं तो नदी में डूबने लगे, ऐसा लिखा हुआ है कहानी में हुमायूं नामा में। तो नदी में जब डूबने लगते हैं तो एक बहुत बड़ा चमड़ा जो होता है वह बहते हुए आ रहा था, हुमायूं उस चमड़े को पकड़ लिए। तब तक जो है यह नाजिम नामक भिस्ती नाविक हुमायूं के पास पहुंच गया और हुमायूं को बचा लेता है। इसीलिए आप लोग हम लोग कहानियों में सुने हैं कि जब हुमायूं को दोबारा गद्दी मिला 1555 में तो इस नाजिम को एक दिन का भारत का बादशाह बना दिया और इसी नाजिम ने चमड़े का सिक्का जारी किया। जिस चमड़े को पकड़ करके हुमायूं बचे थे उसको रखा गया था धरोहर के रूप में, ऐसा कहानी में लिखा हुआ है। और इसी नाजिम ने जब यह एक दिन के लिए मुगल बादशाह बना तो उसी चमड़े को काट काट करके सिक्का के रूप में, प्रतीक के रूप में जारी किया गया। तो कभी अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि चमड़े का सिक्का किसके समय में जारी किया गया था, तो हुमायूं के समय में चमड़े का सिक्का जारी किया गया था और जारी करने वाला व्यक्ति कौन था, तो नाजिम नामक भिस्ती था। तो यह है चौसा का युद्ध। लेकिन अभी तक सूरवंश स्थापित नहीं हुआ था साथियों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक और युद्ध होता है और वह युद्ध है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध और यह 39 में हुआ तो यह 1540 में हुआ। इस कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम। दोनों में से कोई विकल्प रहेगा, आंसर जो है एक ही होगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, इस विषय यहां भी याद रखा जाता है, तो यह 1540 में हुआ। साथियों यह युद्ध भी शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ और इस युद्ध में भी
यह हिमायू जो हैं वह पराजित हो जाते हैं। तो यहां पर दो तीन पॉइंट बन जाता है। पहला, किस युद्ध में विजयी होने के बाद शेरशाह ने सूर वंश को स्थापित किया? तो कन्नौज के युद्ध में विजयी होने के बाद सूर वंश जो है वह स्थापित हुआ। दूसरा पॉइंट, किस युद्ध में पराजित होने के बाद हिमायू को भारत छोड़ना पड़ा? तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हिमायू को भारत से पलायन करना पड़ा और यह ईरान चले गए। और इसीलिए 1540 से लेकर के 1555 तक मुगल वंश का भारत में अंत हो गया। क्योंकि 40 में हिमायू अब चले जाते हैं ईरान, कोई इनको सहायता नहीं दिया, अपने भाइयों ने ईरान चले गए, वहां के शासक ने इनको सहायता प्रदान किया और फिर वहां अपनी शक्ति को बढ़ा करके 55 में वापस आए। तो यहां पर लगभग 15 साल व्यतीत हो जाता है और इस 15 साल में भारत में सूर वंश का सत्ता जो स्थापित हुआ था। तो साथियों, यही प्रारंभिक जीवन है शेरशाह से। आशा है कि सब कुछ यहाँ क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने अच्छी तरीका से समझ लिया होगा। और कुछ इसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। इसके पहले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां, और शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया, बहार खां लोहानी ने। अब क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रारंभिक जीवन के बाद यहाँ अभियान। जब मुगल वंश यहाँ हट गया, समाप्त हो गया 15 साल के लिए, और सूर वंश जब स्थापित हुआ, तो एक एक करके प्रांत क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। उनको यह मौका मिल गया कि अब तो मुगलों का शासन नहीं रहा, तो क्यों नहीं हम लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दें। और जब स्वतंत्र कोई घोषित करता था अपने को, तो उसके विरुद्ध सैन्य अभियान किया जाता था। और वही सैन्य अभियान शेरशाह के द्वारा भी किया गया। बिल्कुल ही संक्षिप्त सैन्य अभियान है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप यहां देखिए, हम लोग यह पढ़ लिए प्रारंभिक जीवन या अब अभियान। तो अभियान मैं यहां लेकर के आ रहा हूं। शेरशाह का अभियान, अभियान है बंगाल। पंद्रह में यह अभियान किया गया। दूसरा है मालवा। पंद्रह में। तीसरा है रायसीन। 1543। चौथा है कालिंजर। 1544। और पांचवा है, यह साथियों मारवाड़ होगा, कालिंजर यहां गलत हो गया, मारवाड़। और अंतिम है कालिंजर। अंतिम कालिंजर 1545। तो देखिए, याद करने में भी आसान है, 41, 42, 43, 44, 45। 5 साल यह रहता है और 5 अभियान जो है हम लोग यहां देख रहे हैं। जब शेरशाह गद्दी पर आते हैं, तो बंगाल में विद्रोह कर दिया गया। और बंगाल में विद्रोह करने वाला जो था
वह था खिज्र खां। खिज्र खां यह बंगाल का सूबेदार था, लेकिन मौके का लाभ उठा करके स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, इसीलिए इसके विरुद्ध अभियान किया गया। यह पराजित हुए खिज्र खां और बंगाल में नई प्रशासनिक व्यवस्था, शेरशाह ने बंगाल के क्षेत्र में नई प्रशासनिक व्यवस्था को लागू कर दिया। नई प्रशासनिक व्यवस्था क्या था कि बंगाल को विभिन्न जिलों में विभाजित किया गया, जिला को सरकार कहा गया यहाँ पर, और एक एक अधिकारी जो है वह नियुक्त कर दिया गया। पहले एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में संपूर्ण अधिकार था, उसी के हाथ में केंद्रित हो गया था, लेकिन अब उस अधिकार को तोड़ दिया गया, मैंने शक्ति को तोड़ दिया गया, और इस प्रकार से पूर्ण रूप से शेरशाह इसके बाद बंगाल में सफल रहता है, किसी भी प्रकार का विद्रोह जो है वह नहीं किया गया। तो यह अभियान क्या रहा, सफल रहा। उसके बाद मालवा, मालवा में मल्लू खां था, मल्लू खां इसने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो मल्लू खां के विरुद्ध जो है निसार खां को भेजा गया, निसार खां शेरशाह सूर की सेना का नेतृत्व करते हैं, और निसार खां ने मल्लू खां को पराजित कर दिया। खुश हो गया शेरशाह, और इसी निसार खां को जिसने अभियान करके सफलता पाया था, इस निसार खां को मालवा का सूबेदार जो है नियुक्त कर देता है। तो यह अभियान सफल रहा कि असफल रहा, यह अभियान भी सफल हो गया। अब है रायसीन, मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र है रायसीन, राजपूत शासक थे यहाँ के, यह शासक है पूरनमल, पूरनमल जो है शासक थे। अभियान करता है शेरशाह रायसीन के विरुद्ध, तो पूरनमल क्या करते हैं, सभी को लेकर के और रायसीन दुर्ग में अपने आप को बंद कर लेते हैं, और रायसीन दुर्ग को भेद देना, तोड़ देना इतना आसान नहीं था। इसीलिए साथियों, जब शेरशाह आक्रमण करता है तो ठीक वही स्थिति हो गया कि किसी समय में चुनार के दुर्ग के अंदर शेरशाह कैद थे और हिमायूं ने चारों तरफ से चुनार को घेर लिया था, उसी तरह से यह जो है पूरनमल इस दुर्ग के अंदर थे और शेरशाह ने इस रायसिंह दुर्ग को घेर लिया। लगभग 3 माह व्यतीत होने को आया, लेकिन दुर्ग का दरवाजा जो है वह नहीं खुला। तो शेरशाह यहाँ पर क्या चलता है, चाल चलता है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि शेरशाह के व्यक्तित्व में लोमड़ी जो चालाक होता है, चाल चलता है, लोमड़ी और शेर का सम्मिश्रण था, तो लोमड़ी वाला बुद्धि यहाँ पर लगाया और अपना एक दूत किसके पास भेजा, पूरनमल के पास भेजा कि मैं तुम पर आक्रमण नहीं करूंगा, तुम दुर्ग का फाटक जो है वह खोल दो, मैं तुमसे मित्रवत संबंध कायम करना चाहता हूं। अब हुआ क्या कि दुर्ग के अंदर रसद पानी लगभग लगभग समाप्त हो गया था, अब लगता था कि उसके अंदर रहने वाली जनता ही विद्रोह कर देगी, तो चिंतित थे पूरनमल और वह चाहते थे कि किसी भी प्रकार से समझौता जो है वह हो जाए, और जब समझौता का शर्त का स्वयं शेरशाह के तरफ से अनुरोध आया तो यह मान गए और इन्होंने रायसिंह दुर्ग का फाटक जो है खोल दिया। युद्ध के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे, जबकि शेरशाह की सेना यहाँ युद्ध के लिए तैयार थी। जैसे ही फाटक खुला दुर्ग का, इसकी सेना ने आक्रमण कर दिया और दुर्ग के अंदर प्रवेश करके कत्लेआम मचा दिया गया, और रायसीन दुर्ग पर शेरशाह ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन
अब यहां से एक प्रश्न बनता है और शेरशाह के व्यक्तित्व पर एक धब्बा लगाता है, नहीं तो शेरशाह काफी महत्वपूर्ण शासक थे। पूछा क्या जाएगा परीक्षा में आपसे, वह मैं आपको बता रहा हूं कि शेरशाह ने धोखे से किस राज्य पर अधिकार कर लिया, धोखा दे करके। तो आपका आंसर क्या होगा, रायसेन। धोखा दे करके रायसेन पर कब्जा कर लिया और इसके लिए इतिहास में शेरशाह की आलोचना किया गया है। यह अभियान सफल रहा लेकिन यह उचित नहीं था शेरशाह जैसे व्यक्ति का, और इसके लिए आलोचना कर दिया गया। जो भी हो, तीनों अभियान अब तक का शेरशाह का सफल हो गया। अब साथियों, चौथा हम लोग लिखे हैं मारवाड़। राजपुताना क्षेत्र है यह मारवाड़, और महलक देव यहां पे शासक थे। महलक देव और झुकने वाले शासक यह नहीं थे, क्योंकि राजपूत जो सरदार इस समय बहुत अधिक शक्तिशाली थे, उन लोगों ने इनका साथ दिया था। और यह राजपूत सरदार थे जयता और कुंपा। यह जयता और कुंपा, आप देख रहे हैं नाम भले ही छोटा है, जयता और कुंपा, लेकिन काम की चर्चा पूरे राजपूताना क्षेत्र में था। यह बहुत ही निडर स्वभाव के थे और युद्ध भूमि में युद्ध करने की कला से पूर्ण रूप से परिचित थे। अंतिम समय तक संघर्ष किया। अब लगने लगा था कि यहां शेरशाह पराजित हो जाएगा, भाग्य ने शेरशाह का साथ दे दिया। कहता क्या है कि भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। वह कर चुका था और यहां पर भी इसका भाग्य साथ दिया, इसलिए मारवाड़ को भी इसने विजय कर लिया। हारते हारते यह विजयी हुआ था। तो यहां पर एक और कथन आ जाता है और वही कथन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। शेरशाह का कथन है, दो कथन, एक शुरुआत में मैंने बतलाया और एक कथन यह है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो चुका था। मुट्ठी भर बाजरा, मुट्ठी भर बाजरा का मतलब क्या है, मारवाड़ को कहता है मुट्ठी भर। पूरे भारत में, भारत की अगर तुलना किया जाए तो एक मुट्ठी भर यह राज्य था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो चुका था, यह कथन शेरशाह का किस राज्य के लिए कहा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यह मारवाड़ के लिए कहता है, मारवाड़ को इंगित करके कहता है, क्योंकि यहां पर भाग्य ने साथ नहीं दिया होता तो शेरशाह की कहानी 1544 में ही समाप्त हो जाता। उसके बाद अंतिम अभियान है, यह भी अभियान सफल, और तब अंतिम अभियान है कालिंजर। तो यह अंतिम है, तो पूछा जाएगा सेट में भी आपको मिलता होगा कि शेरशाह का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था। तो शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध था और 1545 यहां के शासक जो हैं वह कीरत सिंह है। कीरत सिंह कालिंजर के शासक थे और शेरशाह इसमें युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। और यह शेरशाह जो है उक्का, यही उक्का है, उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था। एक तो कह सकते हैं छोटा सा तो उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था और इसके बगल में गोला बारूद का ढेर था और इसी का प्रयोग इसमें कर रहा था। जैसे ही यह उक्का नामक अग्नेयास्त्र से गोला का बारूद निकला, बारूद का गोला, तो यह दुर्ग की दीवार से टकरा करके वापस आकर यहाँ विस्फोट कर गया। और इसी विस्फोट के चलते अचानक
1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु इसको कह सकते हैं, अचानक मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह की अचानक यहां मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के पहले इनको सूचना दे दिया गया था कि कालिंजर को भी विजित कर लिया गया है। तो यह अभियान शेरशाह का सफल हुआ, मतलब पांचों के पांचों अभियान जो है वह शेरशाह के सफल हो जाते हैं। एक योद्धा, एक बहुत ही बलशाली शासक अगर यह जीवित रहता तो हो सकता था कि मुगल वंश की स्थापना दोबारा भारत में नहीं भी होता और हम लोग मुगल वंश के बारे में नहीं भी पढ़ते। लेकिन शेरशाह की यहां मृत्यु हो गई और इसके बाद सूर वंश धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है। अब यहाँ अयोग्य शासक थे और वह लोग के बारे में हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन अंतिम चर्चा करना होगा यहां सिकंदर शाह सूर, सिकंदर शाह सूर यही सूर वंश के अंतिम शासक थे। अब हुमायूं को मौका मिला और वह 15 सालों के बाद वापस लौटा। उसकी सेना और सिकंदर शाह सूर की सेना के साथ 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ और सिकंदर शाह सूर यहां पराजित हो गए, इनकी हत्या कर दी गई और दोबारा 1555 में मुगल वंश स्थापित हुआ और हुमायूं जो है वह दोबारा गद्दी पर आ गए। तो साथियों, यही हम लोगों का शेरशाह के द्वारा किया गया अभियान था। मुझे आशा है कि इस अभियान के अंतर्गत आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें दुविधा नहीं रही हुई। यहां पर आप देख रहे हैं कि सभी से एक एक पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट भी नहीं है। बंगाल में नई प्रशासनिक व्यवस्था, रायसेन को धोखे से जीत लिया, मारवाड़ के विरुद्ध एक कथन है और यह अंतिम अभियान है और इसी अभियान में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल संक्षिप्त बात तो याद रखना है, यह तो आपको अभी याद हो जाना चाहिए और हो भी गया होगा, मैं तो यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। अब इसके बाद जो है इसका प्रशासन हम लोग देखेंगे, शेरशाह का प्रशासन कैसा इसका प्रशासन था। शेरशाह का प्रशासन निर्माता नहीं सुधारक था, तो प्रशासन लगभग वही होगा। कुछ अलग से इसमें सुधार के लिए जोड़ा गया था जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन था, तो मैं यहां लिख रहा हूं। साथियों, तो शेरशाह का प्रशासन जो है अब हम लोगों को पढ़ना है। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी, इतनी महत्वपूर्ण थी कि इस प्रशासनिक व्यवस्था को अकबर जैसे महान शासकों ने अपना लिया और प्रशासनिक बातों को अपनाने के कारण ही शेरशाह को अकबर का पथ प्रदर्शक या अग्रगामी कहा जाता है। प्रशासन इनकी देखना है हम लोगों को और प्रशासन में हम लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं वह आप देखिए। शेरशाह का प्रशासन, किसी भी प्रशासन को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जा सकता है। एक मौर्य प्रशासन है जिसको तीन भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, इसको भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। आप देखिए यहां पर पहला होगा केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, और दूसरा होगा प्रांतीय प्रशासन।
प्रांतीय प्रशासन यह हम लोगों का हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासन ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है राजतंत्रात्मक व्यवस्था में। इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट शामिल करेंगे वह हम लोगों को देखना है। जैसे यहां हम लोग क्या शामिल कर सकते हैं केंद्रीय प्रशासन में, तो पहला शासक, स्वाभाविक है कि यह सबसे ऊपर रहेंगे, फिर मंत्री परिषद, मंत्री परिषद यहां है, न्याय एवं दंड व्यवस्था, न्याय एवं दंड व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, यह भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, सैन्य व्यवस्था, राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन, तो हम लोग यह इसमें शामिल करेंगे। यहां पर क्या होता है कि यहां पर तो साम्राज्य का विभाजन कर देना है और कौन कौन अधिकारी थे वह शामिल कर लिया जाता है। परीक्षा में जो पूछा जाएगा मुख्य रूप से वह यहां से हम लोगों को पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय प्रशासन में मैंने पहला लिखा है शासक। आप सभी लोग यह जानते हैं कि किसी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शासक जो है, सुल्तान जो है, बादशाह जो है, वह सबसे प्रमुख होता है। ऐसे समझिए किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का सर्वोच्च अधिकारी जो है वह शासक यहां स्वयं होता था। अंतिम निर्णय जो है यह शासक के पास सुरक्षित होता था। शेरशाह अंतिम रूप से निर्णय लेते थे और वही निर्णय जो है वह माना जाता था। अब उसके ऊपर कोई न्याय करने वाला, निर्णय करने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन क्या अकेले कोई शासक इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन चला सकता था? नहीं चला सकता था। इतने बड़े देश का शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति के सहयोग के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 74 में भारत के संविधान में लिखा हुआ है और उस मंत्री परिषद के प्रधान प्रधानमंत्री जी होते हैं और उन्हीं के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है, तब इस देश का शासन जो है वह चलाया जाता है। और उसके अंतर्गत अन्य मंत्री होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य में अधिकारी वर्ग आ जाते हैं, तो वही यहां बात है। शासक को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया था जिसमें कुछ विभाग काफी महत्वपूर्ण थे और उस विभाग के द्वारा ही प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित किया जाता था। जैसे आप यहां देख सकते हैं, पहला दीवान, एक विजारत, दूसरा दीवान ए आरिज, तीसरा दीवान ए इंसा, चौथा दीवान ए दीवान ए रसालत। तो यह चार जो विभाग है वह चार स्तंभ कहा जाता था प्रशासन का, केंद्रीय स्तर का चार पिलर के रूप में यह स्थापित था और इसी के अधीन रह करके अन्य अधिकारी या कर्मचारी वर्ग कार्य को संपन्न करते थे। दीवान ए विजारत
यह वित्त मंत्रालय से संबंधित विभाग था और इसका मुखिया जो है वह वित्त मंत्री होता था। दूसरा है दीवान ए आरिज, यह सैन्य प्रशासन की देखभाल करता था। दीवान ए अर्ज, यह सब दिल्ली सल्तनत में भी था। जैसे दीवान ए अर्ज की स्थापना दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा किया गया था, उन्हीं सभी चीजों को अपनाता है, कुछ अपने तरफ से जोड़ करके सुधार करके लागू करता है। शेरशाह दीवान ए इंसा, एक तरह से गृह विभाग कह सकते हैं, राजकीय पत्र व्यवहार को देखने वाला विभाग, सरल शब्दों में गृह विभाग। दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत यह विदेश विभाग था। विदेशों से कोई आते थे, विदेशी यात्री या पत्र व्यवहार किया जाता था तो उसकी देखभाल दीवान ए रसालत के द्वारा किया जाता था। तो यह केंद्र स्तर पर काफी महत्वपूर्ण विभाग या मंत्री या मंत्रालय जो शासक को, सुल्तान को, शेरशाह को सहयोग प्रदान करते थे। अन्य में अब यहां पर आप देख सकते हैं मरीद, गुप्तचर को बरीद कहा गया है और गुप्तचर लोग भी, बरीद लोग भी यहां कार्य को संपन्न करते थे। काजी उल कजा, मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कजात के नाम से जाना जाता था। इनकी सहायता के लिए काजी और मुफ्ती और सईद नामक न्यायाधीश होते थे और यह मुख्य न्यायाधीश को सहायता प्रदान करते थे। तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण बात मैंने यहां लिखा। उसके बाद न्याय एवं दंड व्यवस्था, शेरशाह के समय में न्याय एवं दंड व्यवस्था कठोर था। कठोर इसलिए था कि मृत्यु दंड यहां दिया जाता था, अंग भंग किया जाता था, जुर्माना लगाया जाता था, कई तरह की परीक्षाएं ली जाती थी, कोड़ा मारने की भी दंड दिया जाता था, कैद कर लिया जाता था। तो सभी प्रकार की जो दंडात्मक व्यवस्था होती है इस समय में था। इसीलिए कहा गया है कि न्याय एवं दंड व्यवस्था जो है वह काफी कठोर था। अब्बास खां सरवानी का नाम आता है। अब्बास खां यह इतिहासकार है, विद्वान है अब्बास खान शरवानी, और इन्होंने न्याय एवं दंड व्यवस्था की, शेरशाह की न्याय एवं दंड व्यवस्था की किसने प्रशंसा किया है, तो अब्बास खान शरवानी ने प्रशंसा किया है। न्याय एवं दंड व्यवस्था में जो मुख्य अधिकारी होते थे वह अधिकारी है काजी उल कजात, लेकिन अंतिम निर्णय यही लेता था। अगर यह कोई फैसला कर दिए तो उस फैसले को बदलने का अधिकार इनके पास था। ऐसे समझिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति महोदय को है और वह या तो माफ कर सकते हैं या उसका लघुकरण कर सकते हैं या उस सजा को कुछ और समय के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं। कि मृत्यु दंड अगर 1 तारीख को दिया जाने वाला हो तो वह 30 तारीख को दिया जाए, मतलब वह अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास सुरक्षित है जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। तो सेम बात तो यही है, जैसे यहां के अधिकार को यह पलट सकते थे। उसके बाद मैंने लिखा है यहां सैन्य व्यवस्था। साथियों, सैन्य व्यवस्था भी वैसा ही था जैसे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत था और उसी व्यवस्था को शेरशाह के द्वारा लागू किया गया है। शेरशाह ने सैनिकों को नगद वेतन भी दिया और जागीर भूमि भी दिया।
दोनों तरह की व्यवस्था था इसके राज दरबार में। इसने दाग एवं हुलिया प्रथा को भी लागू किया था। दाग एवं हुलिया, दाग हुलिया प्रथा, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी दिल्ली सल्तनत में लागू किया गया था। शेर शाह इसको अपनाते हैं। दाग एवं हुलिया प्रथा जो है वह अश्वरोही सेना में लागू किया जाता था। बहुत सारी संख्या में अश्वर घोड़े होते थे और सैनिक होते थे, तो होता क्या था कि जब सेना में भर्ती होने के लिए ये लोग जाते थे तो उत्तम नस्ल के घोड़े को दिखा करके भर्ती हो जाते थे, लेकिन जब नियुक्ति हो जाती थी और जब अभियान पर जाना होता था या जहां ड्यूटी लगाई जाती थी वहां रहना होता था तो मरियल स्तर के घोड़े को लेकर के चले जाते थे। अपने नियुक्त होते थे लेकिन अपने बदले दूसरे को भेज देते थे। लाखों की संख्या में सेना थे तो पहचान करना कठिन हो जाता था, इसीलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। दाग मतलब एक राजकीय चिन्ह होता था और उसको गर्म करके घोड़े के पीठ पर दाग दिया जाता था, तो वह राजकीय चिन्ह घोड़े के पीठ पर दाग पड़ जाता था और तब पहचान में आ जाता था कि यही घोड़ा है जब नियुक्त किया गया था, अब आप उसमें फेर बदल नहीं कर सकते थे। हुलिया सभी सैनिकों का चेहरा बना लिया गया, एक स्केच खींच लिया गया और अगर किसी पर शक होता था तो उसी हुलिया को लेकर के मिलाया जाता था। अब क्या हुआ इससे कि सैन्य व्यवस्था जो है वह काफी अधिक मजबूत हो गया। तो यही बात है और इसी को हम लोग कहते हैं दाग हुलिया प्रथा। इसने 16 जगह पर सैनिक छावनी की व्यवस्था किया था और सेना को या सैन्य प्रशासन को पूर्ण रूप से मजबूत कर दिया। तो यही इसका है सैन्य व्यवस्था शेर शाह का। अब यहां मैंने लिखा है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन से परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है, जैसे आप यहां देखिए राजस्व प्रशासन 1/3 उपज का यहां लिया जाता था। इसके समय में इसमें 3 श्रेणियों में बांटा था भूमि को और उसी के हिसाब से कर जो है वह लिया जाता था। एक था उत्तम, उत्तम का मतलब अच्छी, पहला। दूसरा था मध्यम, मध्यम भूमि, और तीसरा खराब। यही 3 प्रकार से इसने विभाजन कर दिया था और यह भूमि का पैमाइश कराता है। साथियों शेर शाह के द्वारा भूमि का पैमाइश का मतलब होता है नाप जोख कराना, पैमाइश कराया। और इसमें प्रयोग क्या किया गया, सिकंदर के गज का, गज ए सिकंदरी और सन की डंडी, यहां लिख रहे हैं गज ए सिकंदरी। या सन की डंडी, इसी से भूमि का पैमाइश इसके द्वारा किया गया था। अब यहां पर एक प्रश्न जो बार बार पूछा गया है कि शेर शाह ने किस प्रकार की व्यवस्था लागू किया था राजस्व प्रशासन में, तो आपको याद रखना होगा और यह है रैयत बाड़ी व्यवस्था। रैयत बाड़ी व्यवस्था यह आधुनिक काल में भी हम लोग पढ़ते हैं। आधुनिक काल जब हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास तो एक होगा अस्थाई बंदोबस्त, एक होगा रैयत बाड़ी व्यवस्था और एक होगा महलबाड़ी व्यवस्था। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं भूमि से संबंधित। तो यहां पर रैयत बाड़ी व्यवस्था के समान जो है
शेरशाह ने राजस्व प्रशासन में अपनाया था। रैयत का मतलब होता है किसान, सीधे किसान से लगान वसूल कर लेना, और जब तक किसान लगान अदा करते रहेंगे उनको भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता, उसी को रैयत बाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो यह एक तरह से अच्छा व्यवस्था था, इसमें बिचौलिए को स्थान जो है वह नहीं दिया गया था, और इसी व्यवस्था को शेरशाह ने अपनाया था। अब शेरशाह यहां पर दो नया कर जो है वह असूल करता है, और यह है मुहासिलाना। यह कर का नाम है मुहासिलाना और जरीबाना। जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क और कर संग्रह शुल्क का नाम था मुहासिलाना और जरीबाना। आवाब नामक स्थानीय कर, आवाब यह स्थानीय कर आवाब नामक स्थानीय कर जो है वह शेरशाह के समय में काफी लोकप्रिय था। साथियों यह इंटरव्यू में भी पूछा जाता है यह शब्द लेकर के, तो इंटरव्यू में भी यह आपको काम दे सकता है। अब शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा, यह आपको याद रखना है और यह परीक्षा में पूछा जाता है, कबूलियत, कबूलियत एवं पट्टा पूछेगा कि कबूलियत एवं पट्टा किसकी देन है, तो शेरशाह की देन है। कबूलियत एवं पट्टा शेरशाह की देन है। जब भूमि एक दूसरे से एक से दूसरे के हाथों में हस्तांतरित किया जाता था तो वह कबूल करता था और उसी को कबूलियत कहते हैं, और उसको लिखा जाता था, तो लकड़ी के काठी के समान होता था लिखने वाला, जिसको पट्टा कहा गया है, और दोनों को मिला देते हैं तो कबूलियत एवं पट्टा है, और यह शेरशाह ने अपने राजस्व प्रशासन में लागू किया था। सबसे बड़ी बात है, और यह बड़ी बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भू राजस्व के सबसे बड़े ज्ञाता जो थे इस समय के, वह टोडरमल थे, और टोडरमल अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन अकबर के दरबार में रहने के पहले यह शेरशाह के दरबार में थे। बाद में अकबर ने इनको अपनी सेवा में ले लिया था, इसीलिए शेरशाह का जो प्रशासन है उस प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन है राजस्व प्रशासन। अब साथियों इस राजस्व प्रशासन में कर निर्धारण की सबसे लोकप्रिय पद्धति क्या था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे लोकप्रिय पद्धति, तो सबसे लोकप्रिय पद्धति जो है वह मैं यहां लिख रहा हूं, यह था गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी, इसको बटाई भी कहते हैं। गल्ला बख्शी को बटाई के नाम से संबोधित किया गया। बटाई तो आप जानते होंगे, गांव में अभी भी बटैया खेत जो है वह दे दिया जाता है, लेकिन इस काल में गल्ला बख्शी कहा गया। इसको किस्मत ए गल्ला, गल्ला बख्शी तो कहा ही गया है, या किस्मत ए गल्ला भी कहा गया है। किस्मत ए गल्ला के नाम से भी बटाई प्रणाली को कहा गया है, जो तीन भागों में बटा होता था, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। आज भी है इस तरह का प्रचलन। हम आप भले खेती नहीं किए हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन आप जाएंगे गांव में, घर में, तो इस तरह का है, खेत बटाई,
खेत में ही बटैया कर लेना, जब फसल बोया जाता था उसी समय निर्धारण कर लिया जाता था, या फसल जब खेत में पक करके तैयार होता था तो उस समय निर्धारण किया जाता था, उसको कहते हैं खेत बटाई। दूसरा है लंक बटाई, जब फसल को काट करके आप देखते हैं कि गांव में लाया जाता है और रखा जाता है, उस स्थान को खलिहान कहते हैं, खाली स्थान को खलिहान, और उसके बाद जो बटाई किया जाता था उसको कहते हैं लंक बटाई। फिर क्या होता है कि उस फसल को दौनी की जाती है और भूसा या डंठल एक तरफ होता है और अनाज जो है वह एक तरफ होता है। तो जब भूसा या डंठल अलग हो जाता था, उसको पुआल भी आप कह सकते हैं, और अन्न जब एक तरफ हो जाता था तो उस समय बटाई किया जाता था और उसको हम लोग रास बटाई के नाम से जानते हैं। तो यही है राजस्व प्रणाली या राजस्व प्रशासन शेरशाह का। केंद्रीय स्तर पर यही मुख्य बात है जिसमें राजस्व प्रशासन से परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा, और इसके बाद जो है हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे वह होगा प्रांतीय प्रशासन। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो लीजिए, याद है तो अच्छी बात है। और अब हम लोग यहाँ पर चर्चा जो करेंगे वह चर्चा हम लोगों का होगा प्रांतीय शासन का। प्रांतीय शासन यहाँ संक्षिप्त है आप देखेंगे तो यहाँ बहुत अधिक बात जो है वह नहीं है। देखिए यह प्रांत है, प्रांतीय शासन, जब विशाल साम्राज्य हुआ शेरशाह का तो प्रशासन की सुविधा के लिए इसको विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया। आज भी भारत राज्यों का संघ है, केंद्र स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक, गांव स्तर तक, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था है, प्रशासनिक कार्य जो है वह संपन्न किया जाता है। तो जब बृहद क्षेत्र होगा तो केवल केंद्र में रह करके शासन नहीं किया जा सकता है, वही बात यहां पर है। तो जब क्षेत्र का विस्तार हुआ तो शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांत में विभाजित किया। यहां प्रांत की बात आ जाएगी, प्रांत में इसको विभाजित कर दिया गया, प्रांत को जिला में विभाजित किया गया। जैसे यहां सरकार कहते हैं जिला को, सरकार इस प्रांत को सूबा, और सरकार कहा गया है जिला को, सरकार के नीचे परगना होता था और इसके अधीन कई गांव होते थे। तो यही प्रशासनिक इकाई है साथियों, यहां तो सूबेदार होगा या प्रांतपति, अधिकारी या सूबा है तो सूबेदार भी कहा जाता था। यहां जिला में दो अधिकारी होते थे और यह अधिकारी जो है कहलाते हैं दो, मुंसिप ए मुंसिफान, मुंसिफ ए मुंसिफान और सिकदार ए सिकदारान, दो अधिकारी यहां पर राजस्व व्यवस्था से संबंधित और कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। जैसे आप देख सकते हैं जिला में इस समय डीएम सर होते हैं, जिलाधिकारी महोदय,
कानून व्यवस्था से संबंधित मुख्य कार्य होता है, ऐसे तो वह सभी क्षेत्रों के बॉस हैं, लेकिन भू राजस्व व्यवस्था या जिला स्तर पर विकास अधिकारी जो होते हैं वह DDC महोदय होते हैं। तो उसी तरह से यह मिलता जुलता दो पद जो है यह दिखलाया जा रहा है। फिर से पटना स्तर में यह शब्द उतर करके आ जाएगा, यह नहीं आएगा। जैसे यहां परगना में मुंसिफ, सिकदार, जैसे BPSC आप कंप्लीट करेंगे, प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में इस समय नियुक्ति की जा रही है, या अपर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति की जा रही है। इसको पहले जो है डिप्टी कलेक्टर कहा जाता था, जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय और अनुमंडल स्तर पर डिप्टी कलेक्टर महोदय। तो वही बात यहां पर भी आप समझ सकते हैं, इन लोगों की सहयोग करने के लिए मुंसिफ और सिकदार नामक अधिकारी यहां थे। इसमें और अधिकारी जो है कानूनगो, फौजदार, यह भी अधिकारी हैं जो जिला स्तर के अधिकारियों को सहयोग जो है वह प्रदान करते थे। तो यहां अधिकारी हैं। गांव स्तर पर भी वह अधिकारी थे जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा गया है। ग्रामीण स्तर पर गांव प्रशासन की यह सबसे छोटी इकाई थी, चौधरी, पटवारी, यह सब यहां के अधिकारी हैं। तो यही है प्रांतीय प्रशासन के रूप में शेरशाह का विभाजन। यह सरकार जो आप देख रहे हैं तो इसने संपूर्ण अपने साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित कर दिया था और सफलतापूर्वक प्रशासनिक कार्य को संपन्न किया था। तो यही संक्षिप्त बात था प्रशासन से शेरशाह का। आप देख रहे हैं यहां पर, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक कार्य। हम लोग यहां पढ़ लिए अभियान भी पढ़ लिए, प्रशासन भी पढ़ लिए, अपना सार्वजनिक कार्य, मुद्रा व्यवस्था, स्थापत्य कला, तब जाकर के सूर्यवंश या शेरशाह की कहानी समाप्त होगी। एक दो आदमी का कमेंट आया है, कमेंट तो देना चाहिए, अच्छा है, उसी से हम लोगों को आइडिया मिलता है कि बहुत स्लो सर पढ़ाते हैं। तो मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि होम्योपैथ दवा का नाम सुने होंगे ना, और एलोपैथिक और होम्योपैथिक में अंतर क्या है कि एलोपैथिक दवा हम लोग खाते हैं तो तुरंत राहत के लिए, लेकिन वह जड़ से खत्म नहीं होता है, फिर दोहरा दिया जाता है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि होम्योपैथ दवा अगर खाया जाए तो वह तुरंत नहीं उसको खत्म करता है, बल्कि धीरे धीरे खत्म करता है। और धीरे धीरे खत्म करने का मतलब क्या, जड़ से खत्म कर देता है, उसके बाद उनको वह बीमारी नहीं होता, जड़ से खत्म कर देना। तो आप जो यहां पढ़ रहे हैं तो समझाने के लिए मैं बहुत तेजी में बोल करके निकल जाऊं और आपको कुछ समझ में नहीं आए, वह भी अच्छा नहीं है। दूसरा है कि कुछ विद्यार्थी बहुत तेज होते हैं, पहले से पढ़े होते हैं, तो वह चाहते हैं कि जल्दी 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 बहुत तेजी में कर दिया जाए। लेकिन सभी वर्ग के विद्यार्थी को लेकर के चलना, कुछ विद्यार्थी तो अभी सिलेबस भी नहीं जानते हैं तो वह सिलेबस देखने के लिए YouTube पर आते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वह समझते नहीं है कि कहां से पढ़ा जाए कहां से नहीं पढ़ा जाए, उसको देखने के लिए आते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे आते हैं जिनकी तैयारी है, हो गई है, लेकिन वो रिवीजन करने के लिए YouTube पर वीडियो जो है देखते हैं या क्लास जो करते हैं। तो हम लोगों का दायित्व बन जाता है कि सभी लोगों को लेकर के चला जाए, जो जीरो लेवल से शुरुआत किया है उसको भी समझ में आए, और जिसकी तैयारी लगभग हो गई है उसको तो समझ में आएगा ही। इसीलिए होम्योपैथ
का इस्तेमाल करना है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। एक बार जड़ जब मजबूत हो जाएगा, जड़ से आपकी कमजोरी खत्म हो जाएगी, किसी भी परीक्षा में बैठिएगा, एक के बाद एक कई रिजल्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहां पर सार्वजनिक कार्य की चर्चा करेंगे। सार्वजनिक कार्य में शेरशाह को कल्याणकारी शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है कि इसने सराय का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण कराया, प्याऊ का निर्माण कराया, छायादार वृक्ष लगवाया और मदरसों का निर्माण कराया, इसलिए इसको कल्याणकारी शासक के रूप में भी माना गया है। पुस्तक आप पढ़ेंगे बीडी महाजन की पुस्तक, तो 1700 सराय, यह 1700 सराय का निर्माण कराता है, पीने के लिए प्याऊ का निर्माण करा दिया, सड़क का निर्माण कराया, वो आप जानते हैं जीटी रोड का निर्माण, और उन रोड के किनारे छायादार वृक्ष जो है वह लगा दिया। साथियों, इसमें यह भी चर्चा किया जाता है कि शेरशाह ने दिल्ली में एक लंगर व्यवस्था को चालू किया था। लंगर व्यवस्था यह स्थापित किया और प्रतिदिन 500 अशर्फी, 500 तोला सोना जो है उसका खर्च इस लंगर व्यवस्था में प्रतिदिन किया जाता था, गरीबों के लिए, दुखियारियों के लिए। तो इस रूप में यह कल्याणकारी कार्य भी करते हैं, जिसको सार्वजनिक कार्य के रूप में शामिल किया जाता है। यह जो 1700 सराय का निर्माण कराता है, प्रसिद्ध विद्वान है कानूनगो, इस 1700 सराय को कानूनगो ने साम्राज्य रूपी शरीर की धमनी कहा है। धमनियों में जो रक्त दौड़ता है, तो उससे तुलना कर दिया कि यह सराय जो थे शेरशाह के, वह साम्राज्य रूपी शरीर में धमनियों के समान थे। कथन है इनका, तो कथन अगर पूछ दे तो आंसर कानूनगो दीजिएगा, शेरशाह के समय में किसने कहा था, सराय को किसने कहा था साम्राज्य रूपी शरीर में यह धमनी के समान है, तो कानूनगो महोदय ने यह कहा था। अब जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हम लोग सब कोई जानते हैं, तो आसान है, हम लोग हाई स्कूल वगैरह में भी पढ़े हैं। जीटी रोड का निर्माण का श्रेय शेरशाह को दिया जाता है। हालांकि यह वही मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके अशोक जो है वह श्रीनगर की स्थापना किया था, कश्मीर तक पहुंच गया था, फिर भी जीटी रोड का निर्माण यह करते हैं। बांग्लादेश के सुनार गांव से लेकर के पाकिस्तान के सिंध तक यह रोड का निर्माण जो है वह किया गया था, बहुत बड़ा बात था। और यह परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, उस समय सड़क ए आजम, सड़क ए आजम कहा गया, जीटी रोड कहा गया है, और इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, तो इसका निर्माण का श्रेय जो है शेरशाह को दिया जाता है। इसने दूसरा सड़क जो है आगरा से चित्तौड़, आगरा से चित्तौड़, तीसरा आगरा से मांडू, और मुल्तान से लाहौर, तो अन्य सड़कों का भी निर्माण इसके द्वारा संपन्न कराया गया था।
लेकिन यह आपको याद है तो यही पूछा जाता है जीटी रोड। आधुनिक काल में हम लोग पढ़ते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने जीटी रोड का पुनर्निर्माण कराया था, लॉरेंस ने भी जीटी रोड का पुनर्निर्माण कराया था। तो साथियों सार्वजनिक कार्य या कल्याणकारी कार्य से साथियों द्वारा किया गया और यह काफी महत्वपूर्ण कार्य जो है वह था। यही संक्षिप्त बात है। अब मुद्रा व्यवस्था के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा चर्चा करना है थोड़ा सा, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जाता है। मुद्रा व्यवस्था, शेरशाह का मुद्रा व्यवस्था आधुनिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की मुद्रा व्यवस्था की आधार बनती है। बहुत बड़ा बात है कि शेरशाह जो मुद्रा व्यवस्था को लागू किया था उसको कंपनी ने, अंग्रेजों ने भी अपनाया और उसी को आधार बना करके उन लोगों ने मुद्रा व्यवस्था को लागू किया था। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ेंगे, जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो चांदी का टंका, यह दिल्ली सल्तनत चांदी का टंका और तांबा का जीतन, यह सिक्का है दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश ने जारी किया था। इल्तुतमिश एक टंका बराबर 48 जीतल होता था, यह टंका है तो इसको यहां पर चेंज करता है शेरशाह। यह शेरशाह यहां पर चांदी का रुपया, चांदी का जो सिक्का जारी किया उसको रुपया कहा गया और तांबा, तांबा का जो सिक्का जारी किया उसको दाम कहा गया। चांदी का रुपया और दाम नामक सिक्का शेरशाह के द्वारा जारी किया गया था। अब इन सिक्कों पर अपना नाम देवनागरी और अरबी लिपि में अंकित कराता है, देवनागरी का भी प्रयोग कर दिया तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देवनागरी और अरबी लिपि का प्रयोग इसके द्वारा कर दिया गया और यह रुपया तो अभी भी हम लोग कहते हैं। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी आधुनिक काल में अंग्रेजों की मुद्रा व्यवस्था का आधार बन गया था। इसने सिक्का ढालने के लिए 23 टकसाल का निर्माण कराया और इन टकसालों के अधिकारी को चौधरी कहा गया है। इन्हीं लोगों के देखरेख में सिक्का जो है, मुद्रा जो है वह ढाला जाता था। तो इस रूप में इसकी मुद्रा व्यवस्था को हम लोग देख सकते हैं और आगे चल करके मुगल काल में, फिर आधुनिक काल, मुगल काल में तो मुगल शासकों ने भी बहुत सारा अपना सिक्का जारी किया था लेकिन यह भी चलते रहा था और आधुनिक काल में भी यह सिक्का चला। तो यही मुद्रा व्यवस्था से महत्वपूर्ण बात है, यह परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ एक टंका बराबर 48 जीतल, तो उत्तर प्रदेश में पूछा है एक रुपया बराबर कितना दाम, 64 दाम, 1:64 इसको कह सकते हैं। एक रुपया बराबर अगर खुला कराया जाए तो उस समय 64 दाम मिल सकता था। तो सिक्कों से संबंधित यही बात है और अंतिम इसका हम लोग
स्थापत्य कला पर ध्यान देंगे तब शेरशाह की कहानी जो है वह समाप्त होगा। साथियों इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो यहां आपको याद रहना चाहिए, अगर याद है तो अच्छा बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा फिर बाद में। अब मैं स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करूं, इसके पहले एक दो सूचना आपको दे दूं कि बिहार का इतिहास तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बीच बीच में मैं साथियों आप लोगों के सामने बिहार इतिहास का कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा हूं, वह मिला जुला है, वह प्राचीन बिहार भी है, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार, तीनों का मिला जुला महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, तो उसको भी आपको बनाना है। और मैं जैसे उसको शुरू कर किया हूं कि बिहार का इतिहास, प्रश्न सेट एक, क्वेश्चन सेट एक दो तीन, ऐसे करके आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूं, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। और जब हम लोग यह पढ़ेंगे पढ़ लेंगे तो उसके बाद में बीपीएससी से संबंधित पूरा 150 क्वेश्चन का सेट भी लाऊंगा आप लोगों के सामने, और उस 150 क्वेश्चन को बना करके आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है। जैसे बीपीएससी में पूछा जाता है हिस्ट्री से 40, साइंस से 20, करंट अफेयर्स से 30, ऐसे करके ही वह सेट रहेगा और उस सेट को आप लोगों को बनाना होगा और उसमें 100 तक हम लोगों को चलना है। 100 तक अगर हम लोग बना देते हैं उस सेट में से तो निश्चित रूप से आपका पीटी जो है वह होगा, वह पीटी जो है वह नहीं रुकेगा। तो यह एक सूचना था। और इसके बाद में भारत का इतिहास जो है वह शुरू करूंगा और विषय की पढ़ाई, जैसे भारतीय संविधान की बात की जाए, मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर की बात की जाए, वह मैं पढ़ाता हूं, तो वह भी धीरे धीरे यहां पर करके लाया जाएगा आप लोगों के सामने। अब यहां स्थापत्य कला की हम लोग बात कर लें, स्थापत्य कला, यह स्थापत्य कला जो है यह भी दिल्ली सल्तनत का ही अनुकरण करता है, यह नहीं है कि नया चीज इसमें ला करके जोड़ा जा रहा था। हाँ, मुगल वाले आए थे, मुगल वंश की स्थापना हुई थी तो मुगलों ने कुछ चेंजिंग किया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो उसका प्रभाव जो है यहां पर निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। तो इस रूप में जोड़ करके हम लोग चलेंगे स्थापत्य कला, और किसी चीज से शेरशाह में परीक्षा में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, लेकिन आप देखते होंगे क्वेश्चन बैंक में किसी भी पीसीएस स्तर की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जनरल की परीक्षा हो, स्थापत्य कला से प्रश्न जो है वह पूछ ही दिया जाता है। इसमें हम लोग जब हुमायूं पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि हुमायूं ने दिल्ली में महल का निर्माण कराया था और उसको तुड़वा करके उसी के अवशेष पर दिल्ली में पुराना किला का निर्माण जो है वह शेरशाह ने कराया और इस पुराना किला के अंदर एक मस्जिद बनाया, इसके अंदर किला ए कुहना, इस मस्जिद को किला एक कुहना मस्जिद कहा गया है। झारखंड की परीक्षा का क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो वहां पूछा गया है किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो साथियों
यह शेरशाह के द्वारा कराया गया था। आज यह पुराना खंडहर के रूप में दिल्ली में धरोहर के रूप में, बहुत खंडहर हो गया है तो धरोहर के रूप में इसके अवशेष जो है दिखाई पड़ते हैं। इस शेरशाह ने रोहतासगढ़ का दुर्ग इसका भी निर्माण कराया और घेराबंदी करा दिया था। रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण कराकर शेरशाह ने उसकी घेराबंदी करा दिया था। अब शेरशाह कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं और कन्नौज को तहस नहस कर देते हैं और उसके अवशेष पर कन्नौज के अवशेष पर शेरशाह सूर, शेरशाह सूर नामक नगर का निर्माण करा दिया। तो अपने नाम पर यह नगर का निर्माण जो है वह कराता है। जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वह तो आप लोगों को याद ही हो, शेरशाह का खुद का बनवाया गया मकबरा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है पता होगा आप लोगों को, चूंकि चर्चित है यह। शेरशाह का मकबरा बिहार में है, सासाराम झील के अंदर कृत्रिम रूप से बनाया गया वह झील है पानी के अंदर, और यह अद्भुत नमूना है। शेरशाह का मकबरा मध्य काल में बिहार के क्षेत्र में वास्तुकला का या स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माना गया है। तो इस रूप में भी जोड़ करके परीक्षा में हम लोगों से पूछा जा सकता है। और इसमें एक और पॉइंट है, पाटलिपुत्र का पटना नाम किसने रख दिया और अपनी राजधानी बनाया, तो शेरशाह यहां पर 1541 पाटलिपुत्र को पटना के नाम से, पटना के नाम से स्थापित किया गया और इसको कुछ समय के लिए राजधानी भी बना लेता है। तो बहुत सारा कार्य जो है वह स्थापत्य कला के द्वारा शेरशाह ने किया था। याद रखना है यह सब चीज जो है, तथ्य जो है यह महत्वपूर्ण है और परीक्षा में निश्चित रूप से हम लोगों से पूछा जाता है। तो सूरवंश या शेरशाह के बारे में यही महत्वपूर्ण बात था। और आपने देखा कि शेरशाह ने, साथियों, शेरशाह ने कम समय में केवल 5 सालों तक शासन किया। इतना कार्य तो बाबर के द्वारा भी संपन्न नहीं किया गया था जितना कार्य शेरशाह ने किया। और शेरशाह के प्रशासन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो निकल करके आता है वह है भू राजस्व प्रशासन, क्योंकि टोडरमल जैसे हस्ती इनकी सेवा में थे और इसीलिए भू राजस्व प्रशासन या राजस्व प्रशासन शेरशाह का आदित्य माना जाता है। और हूबहू इस आदित्य प्रशासन को अकबर ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल कर लिया था। जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे और जब आप मुगल वंश पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मुगलों का प्रशासन कितना व्यापक स्तर पर था और बहुत सारा बात जो है वह तो शेरशाह का ही ले लिया गया था। तो यही हम लोगों का महत्वपूर्ण बात है शेरशाह से। मैंने चर्चा कर दिया था और आप लोगों को याद होना चाहिए कि शेरशाह की मृत्यु के बाद सूरवंश तेज गति से पतन की तरफ अग्रसर हुआ था, क्योंकि वैसा कोई योग्य नहीं था शासक
निकल करके आता और वह आकर के अपने सूर वंश को बचाता। यह तो दुर्भाग्य की बात है, यहां शेरशाह का भाग्य ने साथ नहीं दिया था। भाग्य ने मेरा साथ दिया, सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा, हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन यह तो दुर्भाग्य की बात है कि बारूद का गोला उसके समीप ही फट गया और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं तो आप खुद सोचिए कि इसका वंश क्या समाप्त होने वाला था, तुरंत नहीं होने वाला था। 15 साल में तो बिल्कुल भी नहीं होता या अगर जीवित रहते। और हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सिकंदर सासुर अंतिम थे और बैरम खां जैसे व्यक्ति यहां निकल करके आए थे। उस दिन हम लोग बैरम खां की चर्चा नहीं किए थे पिछला क्लास में। बैरम खां, यह काफी योग्य था, अकबर के समय में भी था यह बैरम खां। और बैरम खां की योग्यता का कमाल है, हिमायूं का कम। हिमायूं तो पहले से भी थे लेकिन वह पराजित हो गए थे। लेकिन यहां बैरम खां ने एक के बाद एक कई युद्ध लड़ा और उस युद्ध में इसने सूर वंश के सैनिकों को समाप्त किया था। जैसे मछिवाड़ा का युद्ध, यह मछिवाड़ा का युद्ध है 1555। साथियों यह मई में हुआ था, मई 1555। तो इसमें भी सिकंदर शाह सूर की सेना पराजित हो गई थी। और हमने उस दिन बतलाया था दूसरा जो था वह सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। यह मई 1555 में हुआ या जून 1555, एक माह का अंतर है, एक माह से कम समय का अंतर है। यह मैंने चर्चा उस दिन किया था, इसकी चर्चा मैंने नहीं किया था। तो यह दोनों युद्ध में किसने कुशल नेतृत्व प्रदान किया, सेना का, मुगल सेना का सबसे कुशल नेतृत्व जो है वह बैरम खां के द्वारा किया गया था। और इसी बैरम खां के बल पर हिमायूं जो है वह विजयी हो गया और इसी युद्ध में परिणाम निकल करके सामने आया। सरहिंद के युद्ध में परिणाम सामने आया और वह परिणाम क्या था, सिकंदर शाह सूर को खत्म किया गया, सूर वंश समाप्त हो गया और 15 साल का जो शासन से अलग होने का दर्द था हिमायूं को, वह यहां पर आकर के पुनः पूरा हो जाता है। लेकिन जब हिमायूं पढ़ेंगे तो उसमें एक कथन है, आप लोग जानते होंगे, हंसने वाला कथन, हिमायूं जीवन भर इधर से उधर लुढ़कते रहा, लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ा कर गिरने से ही उसकी मृत्यु हो गई। इस कथन की समीक्षा कीजिए, यह मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि गद्दी तो पुनः दोबारा उनको मिला 1555 में, लेकिन अचानक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, उसने पुस्तकालय का निर्माण कराया था, पुस्तक प्रेमी था वह, शेर ए मंडल हुमायूं के पुस्तकालय का नाम था और उसी का निरीक्षण कर रहा था, अचानक पैर जो है वह सीढ़ियों पर से फिसल गया और इसी के चलते हुमायूं की मृत्यु हो गई। सत्ता का सुख वह नहीं भोग पाए और उसके बाद हम लोग सब कोई जानते हैं कि उनके सबसे योग्य पुत्र कम अवस्था में ही अकबर गद्दी पर आए और महान शासक की श्रेणी में स्वयं को शामिल कर लिया। तो यही हम लोगों का था शेरशाह से संबंधित बात। शेरशाह में मैंने बतलाया था कि इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था, सुल्तान उल अदल। एक और है
उपाधि सुल्तान, उल आदल, यह भी याद रखिएगा, हजरत उल आला बीपीएससी में पूछ लिया है कि किसने हजरत उल आला की उपाधि धारण किया, तो वह तो दोहरा भी सकता है या नहीं भी पूछ सकता है। अब यह हम लोगों का महत्वपूर्ण है, सुल्तान उल आदल की उपाधि जो है किसके द्वारा धारण किया गया था, तो शेरशाह के द्वारा धारण किया गया था। एक पुस्तक और लेखक का बात आता है जो काफी चर्चित है और बहुत सारे लोगों को याद होगा, और वह पुस्तक है जिस पर पिक्चर भी बना था, संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाया था, और वह पुस्तक का नाम है पद्मावत। पद्मावत, रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के प्रेम संबंधों का वर्णन इसमें किया गया है, और इस पर पिक्चर भी बनाया गया था पद्मावती नाम से। पद्मावत नाम रखा गया, लेकिन विवाद जब हुआ तो नाम को चेंज किया गया, पद्मावती किया गया। और मलिक मुहम्मद जायसी, इसके लेखक जो थे मलिक मुहम्मद जायसी थे। कहानी है इसमें दिल्ली सल्तनत का, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी, मेवाड़ की महारानी, लेकिन लिखा गया है वह शेरशाह के समय में, तो बहुत सारे लोग जो है इसको कल्पना पर आधारित भी बतलाते हैं, प्रमाणिक इसको नहीं मानते। जो भी हो, हम लोगों को पुस्तक और लेखक से मतलब रखना है। मलिक मुहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, तो यह शेरशाह के समकालीन थे, और इन्होंने किस पुस्तक की रचना किया था, तो पद्मावत नामक पुस्तक की रचना किया था। तो साथियों, यही हम लोगों का शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण बात था। आप लोग ने वीडियो देखा, बहुत सारी बातें इसमें आपने समझा, बहुत सारी बात आपको याद हुआ जो परीक्षा से संबंधित है। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले दिन 5 बजे शाम में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना इस अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, अनएकेडमी के परिवार के एक सदस्य प्रहलाद गुप्ता की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत आशीष। आप सफल हो, यही मैं मनोकामना करता हूं, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है वह हो, जो लोग इसमें सच्चे मन से लगे हुए हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।